एरोडो 1.259 फिर से आप देखेंगे 3D फिगर बना रखा है इसमें ऑलराइट तो ये एक 3D फिगर बना हुआ है और जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ कि 3D फिगर्स को हम ज़रूरत हो तो ही रखें तो वो जो एक्सेस है जिसके बॉडी रोटेट कर रहा होगा सिस्टम वो हमारे बहुत काम की नहीं है। तो ये बेलन जैसा ऐसा दिखेगा, दो रस्सियां जो दिख रही है वो आगे पीछे आ जाएंगी, ये एक अलग रोप है, ये भी है जिसका मास m है, ठीक है, और इसमें हमसे a का एक्सेलरेशन पूछा। इसका वेलोसिटी यदि मैं बोल दूं v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, ये ओमेगा 2 से घूम रहा है, लाइक दिस, राइट। और अब सबसे पहले हम निकालेंगे कंस्ट्रेंट का रिलेशनशिप, वो कैसे निकलेगा, ये पॉइंट रेस्ट पे है और ये जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी भी वही होगा जो इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का 0, लेकिन ये पॉइंट इस बी से कनेक्टेड है तो जो बी के इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो इसकी भी होगी, बी के इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v2 माइनस ओमेगा 2 इंटू आर। ऐसे यदि इस पॉइंट की वेलोसिटी लिख लें तो v2 प्लस ओमेगा 2 इंटू 2r और जिस पॉइंट को ये छू रहा है वो भी इससे जा रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट खुद रस्सी का v1 से चल रहा है। तो ये आपकी कंस्ट्रेंट की रिलेशनशिप आ जाएगी। अब यदि हम आगे देखें सॉल्व करने के दो तरीके, एक टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लेके आप आराम आराम से कर सकते हैं, जरूर करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फास्टर तरीका ये है कि यदि मैं इस पॉइंट ओके अबाउट ये एम जी ये दूरी आर और ये आदमी 3R, ये चीज m जो है 3R के डिस्टेंस में, ये स्मॉल m 3R और ये स्मॉल कैपिटल m r के डिस्टेंस, बाकी जो टेंशन के फोर्सेस इंटरनल हो जाएंगे और यहाँ जो टेंशन होगी उसे पास होके
ज़ीरो हो जाएगी, तो टॉर्क हो जाएगा सो एम जी इंटू आर प्लस एम जी इंटू थ्री आर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। और ये इंटू द प्लेन, तो इंटू द प्लेन एंगुलर मोमेंटम सिस्टम लिखने जाएंगे अपन। सबसे पहले छोटे पार्टिकल एम वी वन थ्री आर प्लस एम वी टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। ये उठा के यहाँ पुट कर दीजिए और ऊपर के दो इक्वेशन आपके पास अननोन है, सिर्फ वी वन वी टू और ओमेगा टू, तीन अननोन, तीन इक्वेशन प्रॉब्लम खड़ाक से सॉल्व हो जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन ईजीली सॉल्व। और अब हम लोग रिजिड बॉडी ख़त्म ही कर रहे हैं बेसिकली, तो सो एक पार्ट ऑफ लेक्चर और होगा इसके साथ में, तो एक छोटी सी चीज़ और रहती है वो करके दिस इज़ द लास्ट लेक्चर। कि स्लिपिंग जब हो रही हो, वैसे तो सिलेबस में नहीं है चाहिए स्लिपिंग, लेकिन चूंकि वो बाउंड्री वाला केस है इसलिए हम उसको थोड़ा सा ले लेते हैं। ओके, तो आराम से धीरे धीरे समझते हैं इस बात को। कि मान लीजिए राइट, ये एक रिजिड बॉडी है जिसके हमने यू स्पीड दिया और ये स्मूथ सरफेस पे है, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस दोनों दे रखी, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट सेंटर दे रखी है यूनिफॉर्म, ये स्मूथ सरफेस पे है, ओके, मास है चलिए, और थोड़ी दूर जाके एक रफ सरफेस शुरू हो जाती है जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो सवाल ये है कि एंटर होने के कितनी दूरी पर ये रुकेगी, यदि रुकेगी तो, यदि नहीं रुकेगी तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई कर लीजिए थोड़ी देर, चाहे तो पॉज करके मैं शुरू कर लूँ। रिजिड बॉडी जब अंदर एंटर हो जाएगी इस रफ सरफेस के, तो डेफिनेटली एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी स्पीड v को कम कर रहा है और एक ओमेगा ला रहा है इस सेंस में, ताकि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो पहले u होती थी वो v माइनस ओमेगा r हो जाए, जहाँ पे v की वैल्यू हो रही है कम और ओमेगा की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, वी की वैल्यू कम हो रही है ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक्चुअली वी जीरो होने से पहले ही कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और जो फाइनल स्थिति आपको दिखेगी वो ये होगी जहां पे वी माइनस ओमेगा आर जो कि कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी है राइट, वो जीरो हो जाएगी। और ये जीरो होते ही फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा ये भी सोचने वाली बात है, जीरो हो गई कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी, ये कुछ वी वन हो गया है ये कुछ ओमेगा वन हो गया है राइट, तो अब लगेगी क्या फ्रिक्शन, ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यदि अब मैं फ्रिक्शन लगता हुआ मान लूँ एक मिनट के लिए राइट, यदि मान लूँ कि फ्रिक्शन लग रहा है लेट से पीछे ही लग रहा है, तो आप क्या देखेंगे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, ओके, ये ओमेगा वन को बढ़ाएगा और v1 को कम करेगा, मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी किधर आ जाएगी पीछे, क्या फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन में ला सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ओमेगा वन बढ़ेगा और v1 कम होगा तो कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी पीछे आ जाएगी, तो क्या फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन में
ला सकता है, मोशन नहीं ला सकता। चलिए मैं आगे मान लेता हूँ, आगे मानूंगा फ्रिक्शन तो वी वन बढ़ेगा, ओमेगा वन कम होगा, कॉन्टैक्ट बॉन्ड की वेलोसिटी आगे आ जाएगी। क्या फ्रिक्शन वो कर सकता है? नहीं। इसका मतलब एक्चुअली फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। अब हमको ये निकालना है, दो सोल्यूशन है निकालने के। एक आराम से निकालना है, तो जी इसका एक्सेलरेशन हो गया माइनस म्यू जी, म्यू एम जी बाय एम, और अल्फा हो गया माइनस म्यू एम जी आर बाय एम के स्क्वायर, और माइनस नहीं कहते क्योंकि वो इस सेंस को अपन पॉजिटिव ही ले रहे हैं, राइट। यदि हमसे कोई पूछेगा वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू माइनस म्यू जी डी। और कोई हमसे पूछेगा ओमेगा किसी समय कितनी हो जाएगी, इनिशियल ओमेगा जीरो थी तो दैट वुड बी अल्फा, दैट इज म्यू जी आर बाय के स्क्वायर इंटू टी। सो इस मोमेंट पे जब ये हो रहा होगा पुट कर दीजिए, सो यू माइनस म्यू जी टी, या इधर ही पुट कर देते हैं, सो यू माइनस म्यू जी टी माइनस म्यू जी आर बाय के स्क्वायर इंटू टी इंटू आर इज इक्वल्स टू जीरो। इसको टी के लिए सॉल्व करके यहाँ पुट कर दीजिए, फाइनल ये आ जाएगा। यह एक बहुत फास्ट तरीका है, क्या जमीन पे ये पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखेंगे फ्रिक्शन का, राइट, यहाँ ले लेते हैं तो जीरो है, और नॉर्मल और एम जी बराबर होंगे और एक ही लाइन ऑफ एक्शन है तो उनका भी टॉर्क जीरो आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट ओ इज कंजर्व्ड। तो यदि हम अंदर वाले सेंस को पॉजिटिव लेके लिखें, अंदर वाले सेंस को पॉजिटिव लेके लिखें, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विच इज एम यू आर वुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम विच इज एम वन पी वन आर प्लस एम के स्क्वायर ओमेगा। खत्म। और क्योंकि हमारे को पता है उस समय पे वी वन माइनस ओमेगा वन आर जीरो होगा, सॉर्ट। सो यही एक लास्ट चीज है, बाकी एच सी वी का जो लास्ट पेज है प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा पेज है, आप ट्राई करिए, जहाँ पे डाउट है मुझसे पूछिए, और शीट करते रहिए धीमे धीमे रिजिड बॉडी की। और एक छोटी सी चीज़ और रहती है, उसका लेक्चर मैंने इसके साथ में डाल दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। और बाकी तो अब धीरे धीरे अपन को रिजिड बॉडी जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करेंगे अपना मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, और जब भी हमारा मिलना होगा तब हम इस पर और गहरा डिस्कशन करके थोड़ा सा और डीप में इसको सीखेंगे।